हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है स्पेशली दुर्गा पूजा के लिए। आप इस मेकअप लुक को किसी भी फेस्टिवल में जैसे करवा चौथ, दिवाली या फिर वेडिंग फंक्शन में क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं मेरे फेस पे अप्लाई करूंगी टोनर। अगर आपके पास टोनर नहीं हो तो आप रोज वाटर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फेस को मॉइस्चराइज करूंगी बायोटिक की मॉइस्चराइज क्रीम से। ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज क्रीम है और ये ऑल स्किन टाइप है, हर किसी को सूट करेगी। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम यूज़ कर सकते हो अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। इसके बाद मेरी आईब्रो को फिल करूंगी मैं एक ब्रश की हेल्प से। यहाँ पे मैंने एक आई शेडो पैलेट से डार्क ब्राउन शेड को पिक किया है, उससे ही मैं मेरी आईब्रो को फिल कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं आई मेकअप कंप्लीट करूंगी उसके बाद फेस मेकअप। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, ये बहुत ही अफोर्डेबल और बेस्ट वाला कंसीलर है। उसको मैं मेरी आईलिड पे लगा लूंगी इस तरह से। इसके बाद ब्रश की हेल्प से मैं जो आईब्रो को अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी, जो जो उसका फॉल आउट हुआ है। इस तरह से है जो आईब्रो बड़ी शार्प शार्प दिखाई देती है। नेक्स्ट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। यहाँ पे मैंने ब्यूटी ग्लेस का ये पैलेट लिया है, उसमें से मैं ये डार्क शेड पिक करूंगी और एक ब्रश की हेल्प से मैं मेरी आउटर व्यू पे इसको अप्लाई करूंगी और क्रीज में लेके जाऊंगी धीरे धीरे करके और ब्लेंड करूंगी। इस तरह से ही हमें अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है। इसके बाद येलो शेड पिक करूंगी और इसकी एजेस को ब्लेंड करूंगी इसकी हेल्प से। नेक्स्ट ये चॉकलेट ब्राउन शेड पिक करूंगी और मैं इसको क्रीज में अप्लाई करूंगी थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। नेक्स्ट सेम स्विस ब्यूटी के कंसीलर से कट क्रीज करूंगी। नेक्स्ट SFR के आई शेडो पैलेट से मैं ये शेड पिक करूंगी, ये गोल्डन ग्रीनिश टाइप शेड है। इसको मैं मेरी फिंगर की हेल्प से जहाँ पे कट क्रीज किया है वहाँ पे लगा लूंगी। उसके बाद सेम डार्क शेड को मैं मेरी आउटर वी पे लगा लूंगी इस तरह से। नेक्स्ट जो भी फॉल आउट हुआ है उसको एक वाइप आउट की हेल्प से क्लीन कर लूंगी। इसके बाद आईलाइनर अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैंने लैक्मे का आईलाइनर लिया है, इसकी हेल्प से मैं एक विंग लाइनर अप्लाई करूंगी। इस टाइप का मेकअप लुक आप करवा चौथ के लिए भी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। या आप न्यूली ब्राइड हो तो आपके ऊपर ये मेकअप लुक बहुत अच्छा लगने वाला है अगर आप ट्राई करते हो तो। नेक्स्ट मस्कारा अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैंने इंसेट का मस्कारा लिया है। उसके बाद फॉल्सेस अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैंने रेड चेरी की फॉल्सेस ली है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं फेस मेकअप। प्राइमर के लिए मैंने NYBae का प्राइमर लिया है, ये बहुत अफोर्डेबल वाला प्राइमर है, ये आपको पर्पल पे से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैंने शुगर की फाउंडेशन ली है, ये न्यू लॉन्च फाउंडेशन है। उसको मैं डॉट डॉट करके मेरे फेस पे लगा लूंगी। ये बहुत ही बहुत बेस्ट वाली फाउंडेशन है गाइस, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखो। इसके बाद इसको एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहते हो तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर सकते हो इसको ब्लेंड करने के लिए। ब्रश के लिए मैंने सीस ब्यूटी का ये ब्रश यूज किया है। इसके बाद सेम सीस ब्यूटी का कंसीलर लूंगी, उसको मैं मेरी अंडर आईज पे भी जो फिर नोज पे लगा लूंगी और ब्लेंड कर लूंगी ब्रश की हेल्प से। इसके बाद इसको सेट करूंगी शुगर के ही लूज पाउडर से। इसके बाद कंप्लीट करते हैं आई मेकअप। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट कलर लिया था उसको ही मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे लगा लूंगी और ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट व्हाइट काजल अप्लाई करूंगी मेरी वाटर लाइन पे।
अगर आप चाहते हो तो ब्लैक काजल का यूज़ कर सकते हो, बट मुझे वाइट काजल ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आपकी आंखें छोटी हैं, उनको बड़ा दिखाना है, तो आप वाइट काजल यूज़ कर सकते हो अपनी वाटर लाइन पे, अपनी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए। उसके बाद जो फेस पे पाउडर लगा था उसको एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मेरे फेस को कंट्रोल करूँगी। ब्रोंजर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया है, उससे ही मैं मेरे फेस को कंट्रोल कर लूँगी। इसके बाद ब्लश अप्लाई करूंगी सेम पैलेट से ही। नेक्स्ट हाइलाइटर अप्लाई करूंगी सेम पैलेट से ही। नेक्स्ट मेकअप को सेट करूंगी सेटिंग स्प्रे से, और उसके बाद अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। यहाँ पे मैंने शुगर की लिपस्टिक ली है। सो गाइज, यहाँ पे होता है ये मेकअप लुक कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, और कैसा लगा आपको आज का ये मेकअप लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को कर देना लाइक और शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस सो मच।